नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अपने ससुर चंद्रिका राय के ऊपर लगाया सनसनीखेज आरोप। आरोप इस बात का कि गवाहों की हत्या करवाई जा सकती है। साथ में आरोप लगाया कि उनकी भी हत्या की पूरी प्लानिंग है। इन तमाम चीजों के बाद चंद्रिका राय से न्यूज फाउंडेशन ने बातचीत की। क्या कुछ कहा है चंद्रिका राय ने, सुनिए इस पूरे बयान में। अभी 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 हमारे किसी आदमी ने वीडियो भेजा है, उस संदर्भ में मानसिक रूप से सनक गया है लोग। मुझे समझ में नहीं आता। आज तो मुझे जानकारी भी नहीं थी कि आज ही डेट है, चूँकि इधर कोर्ट वोट बंद है, कोरोना के वजह से खाली चल रहा है। और मुझे ये भी नहीं समझ में आता है कि इतने मानसिक रूप से असंतुलित आदमी हो गए हैं। उसमें गवाह कौन है? गवाह उनकी ओर से हैं राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव। अब इन गवाहों को कोई धमकी दे सकता है क्या? मानसिक रूप से मैं समझता हूँ कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर हम तो मुझे लगता है कहीं कोई विशेष रूप से किसी ड्रग्स पर रहते हैं। नहीं, उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र नाम के कोई गवाह हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र, उनको मिला है ये जान से मारने की धमकी। उसको क्यों कोई धमकी देगा? मुझे नहीं समझ में आता है कि उसे क्यों धमकी दे। गवाह तो मैंने बताया ना, उनके तरफ से जो गवाह हैं वो हैं राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, मीसा यादव और स्वयं तेज प्रताप यादव। इनमें से किसको कौन धमकी दे सकता है? इसके खिलाफ उन्होंने पिरबोहर में एक मामला भी दर्ज कराया है। मैं तो मानहानि का दावा करूंगा। ऐसे क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के लोग, मुझ जैसे लोगों पर, जिस पर आज तक 107 का भी केस नहीं हुआ है, उस पर कहे कि क्रिमिनल लोग हैं, मैं इस पर मानहानि का दावा करूंगा। ऐसे ऐसे लफंगों को लोगों ने छोड़ रखा है, ऐसे ऐसे लोगों को लोगों ने बाजार में छोड़ रखा है। अब आगे क्या आपकी रणनीति? अब मैं देखूंगा कि क्या है इसमें, पूरा मामला क्या है। मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि किस संदर्भ में इस तरह की बातें हो रही है। तो आपने सुना कि चंद्रिका राय ने लालू यादव के पूरे परिवार को और खास करके तेज प्रताप यादव को मानसिक रूप से बीमार बताया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें तो इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि आज कोई तारीख है। उन्हें लगा कि कोरोना वायरस की वजह से शायद कोर्ट में जो सुनवाई है वो टल रही है। ऐसे में तेज प्रताप के आरोप को चंद्रिका राय ने पूरे तरीके से खारिज कर दिया है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।